वैसाखी के त्यौहार पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ था। जब इंडियन हाई कमीशन के लोग उस जत्थे को मिलने के लिए पहुंचे, तब पाकिस्तान सरकार की ओर से उनको रोक लिया गया। वहीं इस पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारी दलजीत सिंह बेदी ने कड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब सिख जत्था वहाँ पर गया हो और उसको इंडियन हाई कमीशन से मिलने ना दिया गया हो। उन्होंने कहा कि हम इसकी पड़ताल करवाएंगे। वहीं न्यूयॉर्क में 9000 के करीब सिख नौजवानों ने पगड़ी बांधकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। वहीं दिलजीत सिंह बेदी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। प्रबंधक कमेटी वालों विसाखीपुर मनाउन गया जथा और उतों के दूताघर के वफद न उतों की सरकार वालों ना मिल देना जाना देना बहुता उचित गल नहीं है कि जदों उतों का वफद जोड़ा है उन्हों की ही परमिशन से उन्हों की ही सहमति से सिख श्रद्धालुओं के जथे मिलना आ रहा है। फिर मौके पर आ के अजिहा उन्हों इस तरह का सलूक करना ठीक नहीं है। जे वो वफद न मिल भी लेंदे उन्हों दी भावनावां उन्हों की कोई दुख तकलीफ सुन लेंदे तो ये भी कोई अणकई जां इहो जी अणउचित गल कोई नहीं सीगी। असी समझते हाँ वैसे भी ये वफद न मिलन च कोई ऐसी गल नहीं सी भी जिहदे नाल पाकिस्तान की कोई विच कोई ऐसा वखरेवा पैदा हुंदा जां ऐसी कोई दुचिती पैदा हुंदी। इस करके मतलब चली कारवाई ठीक नहीं है। तो वधिया गल आ मतलब समुचे संसार दे विच ही जिहड़ा दस्तार का बहुत महत्व तो उसका बहुत सत्कार जिहड़ा है बहाल हो रहा है। समय समय से जिथे कि भी सिख नाल कि इस तरह की जाति होंगी है तो समुचे सिख जगदा जिहड़ा है वह हिरदा बुलंदरिया जाता है। अमृतसर से हनी महरा, जीवी पंजाब टीवी।